मूवी के शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ एक हस्बैंड और एक वाइफ रहते थे। क्योंकि ये रात का समय था तो वाइफ सोई हुई थी, पर वहीं उसका हस्बैंड बाहर बैठे ड्रिंक कर रहा था और वो काफ़ी डरा हुआ और गुस्से में लग रहा था। वह कब से एक पेंटिंग को घूरे जा रहा था। फिर वह एक मिरर के सामने आता है और वहां आके अपना सर उस पर पटक देता है, जिसकी आवाज़ सुन के उसकी वाइफ उठ जाती है और वह अपने हस्बैंड को देखने नीचे आती है। जब वह आती है तो उसकी ऐसी हालत देख के काफ़ी डर जाती है, पर अब उसका हस्बैंड उल्टा ही उसे मारने लग जाता है। वह एक आयरन की स्टिक उठाता है और उसे मार देता है। फिर हमें कुछ सालों के बाद दिखाया जाता है कि एक हस्बैंड और एक वाइफ अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, जहां हस्बैंड का नाम एडम और वाइफ का नाम लीसा था। एडम एक मैथ्स प्रोफेसर था और उसे एक यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आया था और उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी और उन्हें रहने के लिए घर भी दिया जा रहा था। तो हस्बैंड वाइफ उस जगह में रहने के लिए आ जाते हैं और अपनी लाइफ में इसलिए भी खुश थे क्योंकि लीसा माँ बनने वाली थी। तो यही डिस्कस करते थे कि अगर लड़की हुई तो उसका नाम लीसा जूनियर रखेंगे और अगर लड़का हुआ तो उसका नाम एडम जूनियर रखेंगे। और जब वे अपने नए घर आते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो घर काफ़ी बड़ा और ब्यूटीफुल था और वह अपने बेबी के लिए एक रूम भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तभी लीसा के सिस्टर बीकी ने उसको एक गिफ्ट दिया था, जिसमें ओपन करने पे उन्हें एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है। एडम उसे काफ़ी खोलने की कोशिश करता है पर खुलता नहीं है, तो लीसा इसे बीकी का मजाक समझ के वहीं रख देती है। अगले दिन जब एडम अपने ऑफिस जाता है तो लीसा को बोलता है कि तुम्हें अपना और अपने बेबी का ध्यान रखना होगा और हम आके ये घर को एक साथ डेकोरेट करेंगे, तुम अकेले भी कोई हैवी चीज़ मत उठाना। वहीं अब लीसा बोर हो जाती है तो वह अपने बेबी के रूम को खुद तैयार करने लग जाती है और वह उसके लिए क्रेडल भी बनाने लग जाती है। उसे फिर अचानक से वही मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है और लीसा उसे ओपन करती है, जो एडम से नहीं हो रहा था, पर वो लीसा से आसानी से ओपन हो जाता है। और जब वह ओपन करती है तो बिल्कुल खाली था, तो लीसा उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाती है जॉगिंग के लिए। उसे रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है जो काफ़ी रो रही थी और उसकी हालत बहुत ख़राब थी और वो यही बोले जा रही थी कि मेरा बेबी लॉस्ट हो गया है। लीसा उसकी मदद करने जाती है तो फिर वो लीसा को देखकर बोलती है कि जैसे उसने मेरा बेबी छीना है वैसे ही वो तुम्हारा बेबी छीन लेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जिसे सुन के लीसा काफ़ी डर जाती है और वो भागते हुए अपने घर आती है और आते ही सीधा अपने हस्बैंड को उस बारे में बताती है कि उसे एक ऐसी लेडी मिली थी। वहीं अब उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है, उसे एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है और जब वह अंदर जाके देखती है तो एक क्रेडल में उसका एक बेबी रखा हुआ था और वह देख के काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि ये उसे एक हकीकत ही लग रहा था। और वह उस बेबी को उठाती है और जब उसका फेस देखती है तो काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसका फेस बिल्कुल डायमंड जैसा दिख रहा था और वह बेहोश होकर गिर जाती है। फिर जब उसका हस्बैंड आता है तो अपनी वाइफ की ऐसी हालत देख के उसे सीधा हॉस्पिटल एडमिट कर देता है क्योंकि उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया था, जिससे लीसा तो बच जाती है पर उसका मिसकरेज हो जाता है। और उनको तब और दुखी होती है जब डॉक्टर बोलता है कि अब लीसा कभी माँ नहीं बन सकती है, जिससे एडम को लगता है कि ये सब उस हैवी चीज़ उठाने की वजह से हुआ होगा। वहीं अब लीसा काफ़ी उदास रहने लग गई थी तो एडम लीसा की सिस्टर बीकी को अपने घर ले आता है ताकि लीसा को थोड़ा बहला सके। वहीं लीसा से वो हर रोज़ पूछता था कि उस दिन क्या हुआ था, पहले लीसा बताती तो नहीं है, फिर काफ़ी इंसिस्ट करने पर वो उसे बताती है कि मुझे उस दिन जंगल में एक औरत दिखी थी और फिर उसके बाद मुझे वो बेबी दिखा था और जब मैंने उसको उठाया तो मैं अचानक से बेहोश हो गई, उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। वहीं एडम बोलता है कि वो जब बॉक्स ओपन नहीं हो रहा था उसे मैंने एक दिन खोला तो ऐसे ही खुल गया था, जिस पे लीसा बोलती है कि वो बॉक्स तो मैंने पहले ही ओपन कर दिया था और उसी दिन से ये सारी चीज़ें होने लग गई हैं। तो फिर एडम उस बॉक्स के बारे में बीकी से पूछता है क्योंकि बीकी ने ही उस बॉक्स को उन्हें गिफ्ट किया था, जिस पे बीकी बोलती है कि मैंने तो ये किसी हाउस सेल से ख़रीदा था और मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है।
फिर एडम उसे वहीं रख देता है। अब लीसा के साथ कुछ अलग अलग चीज़ें होने लग जाती हैं, जैसे एक बार वह अपने आप को मिरर में देखती है तो काफ़ी चेंज दिख रही थी। एक दिन बीकी और लीसा योगा कर रहे थे तो फिर से लीसा को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और वह चेक करने के लिए जाती है उसी रूम में, तो उसे फिर से एक और बेबी दिखाई देती है, पर वो काफ़ी थोड़ी बड़ी थी जिससे वो काफ़ी डर जाती है। और ये बेबी सिर्फ लीसा को ही दिखाई दे रही थी जबकि बीकी को नहीं दिखाई दे रही थी। वह बीकी को यकीन दिलाती है कि यहाँ पे बेबी है, पर उस बीकी को कुछ दिख नहीं रहा था। वहीं रात में एडम देखता है कि उसकी वाइफ उसके साथ नहीं है, तो जब उसे चेक करने जाता है तो देखता है कि लीसा किसी पेंटिंग को घूरने में लगी हुई है, जिस पर एडम जब पूछता है तो लीसा बोलती है कि ये काफ़ी चेंज हो गई है पेंटिंग, हम जब इस घर में नए आए थे तो इस पेंटिंग में इस औरत का फेस अपने बच्चों की तरफ था, लेकिन अब इसका फेस अपोजिट हो गया है। फिर उसका हस्बैंड समझाता है कि ये सब बेबी लॉस की वजह से हो गया है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो वरना तुम्हारी हालत और ख़राब हो जाएगी। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें अब बीकी के साथ होने लग जाती है, अब उसे भी कुछ स्ट्रेंज चीज़ें दिखाई देने लग जाती है। वह एक दिन मिरर के सामने कुछ प्रैक्टिस कर रही थी, पर उसका रिफ्लेक्शन कुछ अलग ही बिहेव कर रहा था, उससे बिल्कुल अपोजिट जा रहा था, जिससे बीकी काफ़ी डर जाती है। और अब उसका रिफ्लेक्शन उसे मारता है जिससे उसका इतना ब्लड लॉस होता है और उसके माइंड पर एक ऐसा असर करता है कि वो बिना बताए ही अपनी बहन को छोड़ के चले जाती है, जिससे लीसा को बुरा लगता है। लेकिन अब उसको इन सब की आदत हो गई थी, उसे हर रोज़ किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी और उसे वो मामा कह के बुलाती थी। लीसा इन सब से बहुत परेशान हो गई थी, तो वह अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम अपने प्रोफेसर क्लर्क से जाके बात करो, क्योंकि वो इन सब बातों में रिसर्च करते रहते हैं। तो एडम अपनी वाइफ की बात मान लेता है और वह क्लर्क से मिलने चले जाता है और क्लर्क को बोलता है कि तुम मेरी वाइफ का डर दूर कर देना, जिस पे क्लर्क मान जाता है और उनके घर आता है। और जब वह आता है तो उसे कुछ अलग सी चीज़ें दिखाई देने लगती है। वैसे तो क्लर्क बचपन से अंधे थे, लेकिन उनके पास एक अलग एबिलिटी थी कि वो गोस्ट को फील कर सकते थे। और जब वह घर आते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो इस घर की वजह से नहीं हो रहा है, वह किसी और चीज़ की वजह से हो रहा है। और जब वह देखता है तो उसे मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है और वो बोलता है कि इसके अंदर एक ईविल एंटिटी थी जो खोलने पे तुम्हारे साथ आ गई और वह उन्हीं के साथ रहेगी जिन्होंने इसको खोला था, जिससे लीसा और ज़्यादा डर जाती है। तो एडम को और गुस्सा आता है और वो क्लर्क को बाहर निकाल देता है और क्लर्क को बोलता है कि मैंने तुम्हें अपनी वाइफ को डर दूर करने के लिए बुलाया था, पर तो तुम तो उसे उल्टा डराने लग गए। जिस पे क्लर्क बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत पे हो। एडम उन सब की बात नहीं सुनता है और वहाँ उसे घर से बाहर कर देता है। वहीं उस दिन से अब एडम के साथ भी कुछ अजीब होने लग जाता है। उसे पहले एक लेडी और फिर एक ओल्ड की सोल दिखाई देती है और उसे काफ़ी डरा देती है। तो फिर एडम फटाफट से क्लर्क को बुलाता है और क्लर्क अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसे बताता है कि ये सब जो हो रहा है ये इस घर की वजह से नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस बॉक्स की वजह से हो रहा है और उसमें एक डेमन था जो तुमने खोल के उसे अपने बाहर निकाल दिया है और उसका विक्टिम सिर्फ अनबॉर्न बेबीज होता है। वह अनबॉर्न बेबी को आने से पहले ही उन्हें मार देता है और वह बॉक्स सिर्फ उन्हीं से खुलता था जो प्रेग्नेंट होती थी, तभी तो वह बॉक्स बीकी और एडम से नहीं खुला था, सिर्फ लीसा से ही खुला था। और वो बोलता है कि तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो और कोई नहीं, वो तुम्हारी बेबी ही थी जो मर गई है। और वह ये दिखा रही थी कि अगर वो जिंदा होती तो इस स्टेज में वो ऐसी होती, इसीलिए पहले उसे बेबी दिखाई दिया, फिर यंग गर्ल, फिर लेडी और फिर वो बूढ़ी आत्मा। और इनका कोई वजूद नहीं होता है और ये सिर्फ पेंटिंग और मिरर्स में ही होते हैं और उनसे लोगों के माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। और ये डायमंड्स कभी नष्ट नहीं हो सकते, इन्हें सिर्फ कैद किया जा सकता है और ये तभी होगा जब उस वुमेन की सेक्रीफाइस दी जाएगी। इसीलिए वो हस्बैंड और ने अपने वाइफ को मारा था ताकि वो कैद हो सके। वहीं अब एडम अपनी वाइफ को मारना नहीं चाहता था तो काफ़ी कोशिश करता है, पर वो एंटिटी उल्टा उसे और हिप्नोटाइज करने लग जाती है और उसे हिप्नोटाइज करके उसे अपनी वाइफ को मारने पे मजबूर कर देती है और एडम अपनी वाइफ को मार देता है और वो एंटिटी उसमें कैद हो जाती है। फिर वह प्रिजन में चले जाता है,
पर वह जाने से पहले बीकी को वही गिफ्ट दे देता है जो उसने दिया था कि अब बीकी भी माँ बनने वाली थी, तो अब मतलब ये सारी चीज़ें बीकी के साथ होने वाली थी। तो हमारी मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।